मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेट के बारे में, और ये नए पैटर्न पर हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है। इसमें हमने संभावित प्रश्नों को भी शामिल किया हुआ है, और जो पिछले सत्र में, जो पिछले सेशन में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी हमने शामिल किया हुआ है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी शामिल किया हुआ है। तो देख लीजिए, एक नए प्रकार का प्रैक्टिस सेट। और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, अभी आपने देखा कि आज के हमारे जो लेक्चर था वो था ब्रायोफाइटा, तो उसी का प्रैक्टिस सेट लेकर के हम उपस्थित हैं। तो चलते देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त। पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रहा है ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या शामिल हैं। कह रहा है वेरियस मॉसेस, विभिन्न प्रकार के मॉस को सम्मिलित किया गया है। कह रहा है लिवरवर्ट को सम्मिलित किया गया है, बोथ ए एंड बी दोनों को सम्मिलित किया गया है, कि नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त इसका आंसर क्या होगा, फटाफट देख लीजिए। हम सरल से जटिल की ओर प्रश्नों को लेकर के चल रहे हैं, सबसे सरल से सरल प्रश्न भी शामिल किए हुए हैं और सबसे जटिल प्रश्न को भी शामिल किए हुए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिवर वर्ट्स हमने कहा था किसको कहते हैं, हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा ये लिवर वर्ट्स है, ठीक है। वह मॉसेस, मॉसेस भी था, तो दोनों को सम्मिलित किया गया है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब हो गया सी नंबर। अब प्रश्न नंबर दो की बात करें, प्रश्न नंबर दो में कह रहा है द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा कैसा होता है। कह रहा है हैप्लॉयड होता है, कि डिप्लॉयड होता है, कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, कि ट्रिप्लॉयड होता है, कैसा होता है भाई ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पौधा कैसा होता है। देखिए ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा तो होता है गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट कैसा होता है, यन होता है, अगुणित होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, हैप्लॉयड अर्थात यन। ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ, क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन। तो क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है यहां पर द सिक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर, द सिक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर, ब्रायोफाइटा में सिक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं। कह रहा है यूनिसेलुलर होते हैं एक कोशिकीय, कि मल्टीसेलुलर होते हैं, कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, कि ऑल ऑफ द अबव, कैसे होते भाई सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइटा में कैसे होते हैं बताइए। यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टीसेलुलर होते हैं, कैसे होते हैं, फटाफट के अंदाज में इसका जवाब बताइए भाई कैसे होते हैं द सिक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, मल्टीसेलुलर, ठीक है, मल्टीसेलुलर होगा। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चार को देखते हैं। कह रहा है विच ब्रायोफाइट्स इज सोर्स ऑफ पीट, यानी ब्रायोफाइट यानी पीट का मुख्य स्रोत ब्रायोफाइटा में क्या है, दैट हैज लॉन्ग बीन यूज, जो लंबे समय तक यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में लंबे समय तक यूज किया गया, ठीक है। पीट जानते हैं, पीट यहां शब्द ही आ गया पीट। अब कह रहा है ऑप्शन में रिक्सिया की मार्केंसिया, स्फैग्नम की फ्यूनेरिया। अब जानते हैं कि स्फैग्नम जो है भाई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसे पीट मास भी कहते हैं, बॉग मास भी कहते हैं, टर्फ मास कहते हैं, और इसका कॉटन मास भी नाम है, क्या है, कॉटन मास भी कहते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, स्फैग्नम हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में, कि क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा भाई, पांच नंबर में कह रहा है विच ब्रायोफाइट, कौन सा ब्रायोफाइट है, इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ इट कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, यानी वह ब्रायोफाइटा कौन सा है, इनमें से चारों में से कौन ब्रायोफाइट्स है जिसमें जंतुओं को लपेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान क्या किया जाता है, उसको शिप किया जाता है, ऐसे कौन से जंतु है, और इनमें जल
को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी होती है। तो कौन सा ब्रायोफाइट है, फ्यूनेरिया है कि एंथोसिरास है कि रिक्सिया है कि स्फैग्नम है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, इसका जो सही जवाब है वह है स्फैग्नम। क्या है? स्फैग्नम इसका सही जवाब है। स्फैग्नम में ही जंतुओं को, कुछ मछलियों को भी लपेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिम्मी आर मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, यानी जो जिम्मी है ये कहाँ होते हैं, जिम्मी कप में होते हैं। जिम्मी कह रहा है कि इसका मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है वो किस में भाग लेता है। कह रहा है लिवर वर्ट में कि हॉर्न वर्ट में कि ऑल ऑफ दीज में कि मॉसेस में। देखिए आप जानते हैं कि जो ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन किया गया था लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉसेस। मॉसेस लीवरवर्ट में कौन है, रिक्सिया है और मार्केंसिया है, रिक्सिया मार्केंसिया और पैलिया, ठीक है ये हैं। और हॉर्नवर्ट में एंथोसिरास है, एंथोसिरास है। और मॉसेस में कौन है, फ्यूनेरिया है और स्फैग्नम है, फ्यूनेरिया और स्फैग्नम। तो लीवर वर्ड कह रहा है जिम्मी, और जिम्मी किस में होता है, मार्केंसियम होता है। अब मार्केंसिया किसके अंतर्गत आता है, लीवर वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर वर्ड, ठीक है लीवर वर्ड इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा द स्पोर्स इन लीवर वर्ड जर्मिनेट टू फॉर्म, यानी लीवर वर्ड में जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट करता है तो क्या बनाता है, ठीक है जर्मिनेट करके स्पोर क्या बनाता है। कह रहा है फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, नन ऑफ द अबव। पहली बात, स्पोर अगर जर्मिनेट होता है तो जाहिर सी बात है गैमेटोफाइट बनाता है। अब गैमेटोफाइट कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है भाई, कैसा होता है, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए इसका सही जवाब है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द स्पोर इन मॉसेस जर्मिनेट्स टू फॉर्म। अच्छा ये तो यहां था द स्पोर्स इन लीवर वर्ड जर्मिनेट टू फॉर्म, लीवर वर्ड में जर्मिनेट करके स्पोर क्या बनाता है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अब कह रहा है द स्पोर इन मॉसेस, मॉसेस में जर्मिनेट करके क्या बनाता है, ठीक है तो मॉसेस में जर्मिनेट कर है प्रोटोनिमा बनाता है कि स्पोरोफाइट, नन ऑफ दीज कि स्पोरोकार्प, क्या बनाता है। इसका सही जवाब क्या होगा भाई, इसका सही जवाब होगा प्रोटोनिमा। क्या है, प्रोटोनिमा इसका राइट आंसर, क्योंकि मॉसेस में फ्यूनेरिया आता है, फ्यूनेरिया में स्पोर जर्मिनेट करता है तो पहले क्या बनाता है, प्रोटोनिमा बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, इसकी तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच इज नॉट अ मॉस, इसमें से कौन मॉस नहीं है, ठीक है। मॉस में अभी मैंने बताया था कि मॉस में जैसे हिपैटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, इसे लीवर वर्ट, इसे हॉर्न वर्ट, इसे मॉसेस कहते हैं। तो इसमें 6 जीनस आप लोगों को पढ़ने हैं टीजीटी पीजीटी दोनों मिला करके। तो इसमें फ्यूनेरिया शामिल है और स्फैग्नम शामिल है, ये दोनों तो मॉस में आ जाते हैं, स्फैग्नम कट हो जाएगा और इसमें से फ्यूनेरिया भी कट हो जाएगा और पॉलीट्राइकम भी कट हो जाएगा। ये जो मार्केंसिया है आता है हिपैटिकोप्सिडा अर्थात लीवर वर्ट में आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्केंसिया, मार्केंसिया इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मॉसेस आर अटैच टू द सॉयल थ्रो, यानी जो मॉसेस होते हैं वो मृदा से अटैच होते हैं, जुड़ जाते हैं, किसके माध्यम से जुड़ जाते हैं। कह रहा है यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजोइड, यूनिसेलुलर नहीं होते, यूनिसेलुलर नहीं होते, मल्टीसेलुलर कह रहा है, अनब्रांच, अनब्रांच नहीं, ब्रांच भी हो जाता है किसमें, मॉस में हो जाता है, तो मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड। देखिए दोस्त हम आपको बता दें गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है जिस कारण से बहुत समस्या होती है, ठीक है, बहुत समस्या दोस्त होती है। और टाइम निकाल करके हम सोच रहे हैं अभी से यह क्लास जो है रेगुलर हो जाए, जो आपकी थ्योरी की क्लास है और प्रैक्टिस सेशन की, तो ज़्यादा मज़ेदार होगी, ठीक है। अभी से अगर चलता रहेगा तो आपका टीजीटी पीजीटी, देखिए मेरा एक उद्देश्य होता है कि जो टॉपिक हम पढ़ाएं, जो चैप्टर पढ़ाएं, आपका वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक से आप तुरंत उसे फटाक से हल कर पाएं, यह मेरा पूरा का पूरा प्रयास होता है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं, देखिए अब आपको बता दें अभी तो ये लेओवर का मैं डेमो क्लास दे रहा हूँ, लेकिन हमारा जो टॉपिक होगा एक दो पहले एक भी क्लास में डेमो का, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कुछ हम कर देते हैं या एनिमल फिजियोलॉजी कह दीजिए, उसी में सम्मिलित है, तो उसका भी लेक्चर जल्द ही आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। और लेकिन एक बात आप लोगों से कहेंगे, आप लोग
थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करें, थोड़ा सा मेरा भी उत्साहवर्धन हो, और थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करें आप लोग अपने ग्रुप में, और थोड़ा और लोगों में फैलाइए, संख्या बढ़े, तो देखें किस तरीके से मज़ा आता है। आप मैं पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा किसी टॉपिक का, आज का ही टॉपिक देखिए, अभी पूरा का पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है, छोड़ के जाइएगा नहीं ये बीच में लेक्चर। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अभी देखिए दूसरे प्रकार के भी क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं, केवल यही एक प्रकार का नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाई, मॉस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह रहा है किस प्रकार का होता है, कह रहा है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, कि बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमक द्वारा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, किसके द्वारा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉस में, तो ये होता है बोथ ए एंड बी, दोनों के द्वारा होता है बोथ ए एंड बी। अब बात आती है, कह रहा है द फर्स्ट स्टेज इन द गैमेटोफाइट ऑफ अ मॉस, मॉस में, मॉस के गैमेटोफाइट में पहला स्टेज जो होती है विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, यानी स्पोर से डायरेक्टली डेवलप, कौन सी प्रावस्था होती है इसमें से, स्पोर के, स्पोर से डेवलप होने के बाद, और किसमें, मॉस में, किस डेवलप होने के बाद क्या होता है, कह रहा है प्रोटोनिमा बनता है, लीफी स्टेज बनता है, नन ऑफ दीज की क्लोरोनिमा बनता है, तो इसमें प्रोटोनिमा बनता है, पहले क्या बनता है भाई, प्रोटोनिमा बनता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पोस्टमार्टम की, तो थोड़ा देख लीजिए मैंने कितनी मेहनत किया है आप लोगों के लिए, उसको भी जरा देखिए, सबसे हट करके सबसे अलग। ठीक है, कहने की बात नहीं है, कहते नहीं दोस्त, हम करके दिखाने वालों में से हैं, और ऐसा ही आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी करके दिखाएं। देखिए जरा अब यहाँ क्वेश्चन, हाँ बीच में थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, कल के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किया था, ठीक है, कुछ क्वेश्चन किए थे आप लोगों से, उसका सही जवाब देने वालों में से जो नाम है, आज मैं यहाँ पर प्रिंट नहीं कर पाया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन नाम मुझे याद है आकांक्षा यादव, आकांक्षा यादव जी का करेक्ट जवाब था, सही जवाब था। ठीक है, तीन प्रश्न मैंने किया था, पहला प्रश्न क्या किया था, नेम द टिश्यू, उस ऊतक का नाम बताइए विच गिव राइज टू कैलिप्ट्रा, जो कैलिप्ट्रा को गिव राइज करता है, उसका सही जवाब होगा वेंट्रल वाल, क्या होगी, वेंट्रल वाल ऑफ आर्चिगोनिया, सही जवाब है। दूसरा आंसर था, दूसरा क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ अल्टर जनरेशन ऑफ जनरेशन, किस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण इज फाउंड इन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा में किस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, और सही भी कई लोगों का जो जवाब आ रहा था वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक इस प्रकार का आ रहा था, लेकिन यहाँ आंसर देखिए क्या है, हेट्रोमॉर्फिक टाइप होता है, कैसा होता है, हेट्रोमॉर्फिक अर्थात या कह दीजिए डिप्लोहाइप्लॉन्टिक होता है, कैसा होता है, डिप्लोहाइप्लॉन्टिक, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर तीन जो था हमारा, हमने कहा था इन विच ब्रायोफाइट्स हाइलाइट सेल, हाइलाइन सेल किसमें पाया जाता है, किस ब्रायोफाइट की पत्ती में, ठीक है, किस ब्रायोफाइट की पत्ती में हाइलाइन सेल पाई जाती है, तो वो होता है स्फैग्नम, स्फैग्नम इसका सही जवाब है। तो आकांक्षा यादव जी का करेक्ट जवाब था, हालांकि अगले अपने लेक्चर में मैं नाम सहित सम्मिलित करूंगा, ठीक है, विद इमेज। चलते हैं, आज देखिए पोस्टमार्टम को हम दिखा दें, थोड़ा सा पोस्टमार्टम हमने कैसा किया है, देखिए पोस्टमार्टम, यदि ब्रायोफाइटा टॉपिक है, ब्रायोफाइटा से पूरे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, LT, GIC और TGT, PGT, NEET, मतलब कितने प्रकार क्वेश्चन आए हैं, पूरे कॉमन क्वेश्चन को मैंने निकाल लिया इस टॉपिक से, फिर उसके बाद जिनेरा से अलग अलग निकाल लिया, जो छह इसमें से स्पीसीज हैं, छह स्पीसीज से मैंने क्वेश्चन निकाला है, तो देख लीजिए जरा जो कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या टर्म ब्रायोफाइटा, ये सब आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, इस सब आपको मैंने पढ़ा दिया है, इसका मैं आपको एक, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं टेलीग्राम पर इसका PDF जो है प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम का नाम है बायोलॉजी जोन बाय बीआर सर, उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, यह PDF मैं आपको दे दूंगा, उसमें से आप देख लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को कैसे हमने इनको निकाला है। अब यहाँ बताने लगेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्त, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, इस कारण से मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चन को आप भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे देखिए साइड में हिपैटिक ऑक्सीडा, एंथोसिरोटोक्सीडा मसाई, और हिपैटिक ऑक्सीडा को लीवर वर्ड भी कहते हैं, और एंथोसिरोटोक्सीडा को क्या कहते हैं, इसको जो है हॉर्न वर्ड भी कहते हैं, और मसाई इस मॉसेस हैं, इसमें फ्यूनेरिया स्फैग्नम शामिल है, जो हम लोगों को पढ़ना है एक स्पीसीज रिक्सिया, मार्केंसिया, पैलिया, एंथोसिरास, फ्यूनेरिया और स्फैग्नम, ये सभी पढ़ना है। इस पे हिपैटिक ऑक्सीडा अर्थात लिवर वर्ट में रिक्सिया मार्केंसिया पैलिया आता है, एंथोसिरोटोक्सीडा में हॉर्न वर्ट इसको कहते हैं, इसमें एंथोसिरास आता है, मसाई अर्थात मॉसेस में फ्यूनेरिया और स्फैग्नम आता है। अब उसके बाद रिक्सिया से कैसे क्वेश्चन बने, देखिए यहाँ ऊपर भी मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा PDF में नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा, जैसे देख लीजिए,
जैसे लास्ट सेल आप गैमेटोफाइट स्टेज, गैमेटोफाइटिक सेल स्टेज की लास्ट सेल क्या होती है, तो होती है गैमीट। क्या होती है? गैमीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एपोस्पोरी क्या है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया था, प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, बिना स्पोर के बने, बिना स्पोर के बने स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का विकास क्या कहलाता है, तो कहलाता है एपोस्पोरी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? वो कहलाता है एपोस्पोरी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन। जैसे अब सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू किसमें पाया जाता है, कुछ ब्रायोफाइटा के कैप्सूल में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कालूमेला कहते हैं, कालूमेला। ये सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने क्या किया कि सब में जैसे रिक्सिया पे अलग बनाया, ढूंढ ढूंढ करके रिक्सियास कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो रिक्सियास जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देख लीजिए कितने पूछे गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन रिक्सिया से पूछे गए हैं। एक्वेटिक स्पीशीज सबसे ज्यादा पूछा गया है। नर्स सेल किसमें पाया जाता है रिक्सिया में, रिक्सिया का एंथ्रोजॉइड कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है रिक्सिया, और मार्केंसिया का थैलस कितने भागों में बटा होता है, तो अपर और लोअर, अपर फोटोसिंथेटिक रीजन होता है और लोअर स्टोरेज रीजन होता है। और इसकी कुछ डायोसियस और मोनोसियस स्पीसीज पूछ लिया। डायोस्पीसीस मतलब हेट्रोथैलिक और मोनोसियस मतलब होमोथैलिक, जैसे रिक्सिया हिमालयनसिस, रिक्सिया फ्रस्टी और रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, रिक्सिया ग्लाउका। तो रिक्सिया हिमालयनसिस ये पूछा है, रिक्सिया हिमालयनसिस ये कैसी होती है, हेट्रोथैलिक अर्थात डायोसियस स्पीसीज होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसी तरीके से हम आपको बता दें, उसी तरीके से मार्केंसिया में भी है, मार्केंसिया के कितने क्वेश्चन पूछे गए देख लीजिए, मार्केंसिया से टीजीटी पीजीटी में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। जिम्मा कप तो सबसे ज्यादा पूछा गया, जिम्मा कप किसमें पाया जाता है, तो मार्केंसिया में। किसमें भाग लेता है जिम्मा कप, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। और स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल ये दोनों द्विगुणित होती हैं, ये पूछा था कि ये दोनों कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है डिप्लॉयड होती है। इलेटर ऑफ मार्केंसिया इज डिप्लॉयड, हाँ इलेटर मार्केंसिया का कैसा होता है, तो डिप्लॉयड होता है और हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। और कहा कि सीटा इसमें बड़ी लंबी हो जाती है और जो कि 50 mm तक हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 नहीं बल्कि फ्यूनेरिया से ज़्यादा क्वेश्चन। देख लीजिए सबसे ज़्यादा लंबी लाइन लगी है फ्यूनेरिया में ही, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्यूनेरिया से। जैसे पेरिस्टोम टीथ कैसा होता है, तो आर्थोडोंटस टाइप का होता है। नंबर ऑफ पेरिस्टोमल टीथ 32 होते हैं, 16-16 की दो कतार होती हैं आप जानते ही हैं। और इसे कार्ड मॉस भी कहा जाता है फ्यूनेरिया को, ठीक है, कार्ड मॉस, ग्रीन मॉस, ठीक है। और मल्टी सेलर इसमें राइजॉइड्स होता है विद ऑब्लिक सेप्टा, ऑब्लिक सेप्टा के साथ मल्टी सेलर राइजॉइड्स भी होता है फ्यूनेरिया में। और इसी में कैलिप्ट्रा भी होता है, कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय आर्चिगोनिया, आर्चिगोनियम के द्वारा बनता है। और कैलिप्ट्रा कैसा होता है, यन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैलिप्ट्रा यन होता है, गुणित होता है, जबकि फूट सीटा कैप्सूल कैसा होता है, द्विगुणित होता है। एपोफाइसिस किसमें पाया जाता है, तो ये मॉस में ही पाया जाता है एपोफाइसिस। स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म बाय इंडोथीसियम के द्वारा बनता है स्पोर सैक। आगे है प्रोटोनीमा डेवलप इन टू द लाइफ साइकिल, इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया, प्रोटोनीमा किसके लाइफ साइकिल में डेवलप होती है, तो फ्यूनेरिया के। और मॉस स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म प्रोटोनीमा, मॉस स्पोर ही जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा बनाता है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, आप देख लेंगे। और प्रेजेंस ऑफ कैलिप्ट्रा, अपरकुलम, एनुलस एंड पेरिस्टोमियल टीथ, ये सभी जो है इसकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूनेरिया के लिए दोस्त, फ्यूनेरिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आप देख लीजिए, मैंने एंथोसिरास के लिए बना दिया है, किसके लिए बना दिया भाई, एंथोसिरास के लिए। देख लीजिए एंथोसिरास में कितने क्वेश्चन आए हैं, इसको भी देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंथोसिरास से हैं। जैसे 6 क्लोरोप्लास्ट विद पायरिनोइड किसमें होता है, पायरिनोइड के साथ क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, एंथोसिरास में। स्यूडोइलेटर किसमें पाया जाता है, एंथोसिरास में पाया जाता है स्यूडोइलेटर, स्यूडोइलेटर। और कह रहा सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू, बीच में स्टेराइल टिश्यू होता है कैप्सूल के, क्या कहलाता है, तो वही होता है कालूमेला। कह रहा है कि गैमेटोफाइट कंटेन्स इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटी कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसके थैलस में होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफाइट इन डिटर्मिनेट इन ग्रोथ, ये लगातार क्या करती है, वृद्धि करती रहती है तेजी के साथ। और फिर कह रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू एंड आर्चिस्पोरियम इन ओरिजिनेट फ्रॉम एम्फीथीसियम, ठीक है, एम्फीथीसियम और इंडोथीसियम दो लेयर होती है, एम्फीथीसियम से डेवलप होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। और उसी तरीके से स्फैग्नम, पांचवा जो जीनस है स्फैग्नम है, स्फैग्नम से देख लीजिए, स्फैग्नम से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 1, 2, 3 क्वेश्चन है। जैसे रिटार्ड सेल किसमें पाई जाती है, स्फैग्नम में। ट्रू मॉस किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं भाई, किसी मौसी को कहते हैं, मॉस में स्फैग्नम ही आता है, बॉग मॉस भी कहते हैं, पीट मॉस कहते हैं, कॉटन मॉस, टर्फ मॉस,
और पैलियस कितने क्वेश्चन पूछे गए, दो क्वेश्चन पूछे गए। जैसे ओनली स्मूथ वाल्ड राइजोइड किसमें पाई जाती है, वो पाई जाती है पैलिया में, स्मूथ वाल्ड राइजोइड केवल पाया जाता है। और अगला पूछा इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर किसमें पाया जाता है, तो पैलिया में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन सभी मैंने आपको बता दूं, मैं बता दूं कि बहुत मेहनत से इसको कलेक्ट करके हर क्वेश्चन यानी हर सीरीज पर बनने वाले क्वेश्चन को मैंने ढूंढ ढूंढ करके कलेक्ट किया ताकि इससे भी छूटे ना, और संभावित प्रश्न जो जैसे बनते हैं उनको भी लेकर के आए। ठीक है, तो ये पैटर्न है भाई। अगले थोड़ा सा अगला पैटर्न क्या है उसको भी हम आपको बता देते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार के जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हमने सम्मिलित कर दिया हुआ है। देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है मॉस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, यह क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है मॉस के कैप्सूल में जो वायु गुहिकाएं होती हैं कोशिकाओं कोमल तंतुओं द्वारा बटी होती है, किसके द्वारा बटी होती है, कह रहा पार्टीशन के द्वारा, कंपार्टमेंट, सेप्टा की ट्रैबिकुली। तो ये ट्रैबिकुली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रैबिकुली के द्वारा बटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, ट्रैबिकुली है। ठीक है, देख लीजिए TGT बायोलॉजी 2005 में, बस कुछ ही क्वेश्चन को मैंने शामिल किया हुआ है। और देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है। एक बात और कहेंगे, एक बार फटाफट थोड़ा सा आप लोग संख्या बढ़ा दीजिए, संख्या देखिए जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे मुझे मजा आता है, और वैसे वैसे मेहनत करके आपके लिए मैंने बताया ना, कोई भी टॉपिक लेकर के आऊँगा उसका पूरी निचोड़ लेकर के आऊँगा। एक सुबह हमें 11 बजे उसका लेक्चर देंगे और उसके बाद शाम को उसी का प्रैक्टिस सेट होगा, तो क्यों नहीं होगा। लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, हमारे साथ साथ आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो बताते हैं, बीच बीच में कमेंट करते रहते हैं, सर ये टॉपिक बार बार हो रहा है, वो टॉपिक कराइए, टॉपिक कराइए। पढ़ना तो पूरा है आपको, एक तरीके से एक तरफ से आप पढ़िए। हाँ, आपको लग रहा है कि ऐसा है, वो बीच में डंडा करने वाले होते हैं, तो बॉटनी से भी कुछ क्वेश्चन, कुछ जूलॉजी से भी देख लीजिए। तो जूलॉजी भी मैं आपको लोअर जूलॉजी पूरा पढ़ा दिया हूँ, हायर में आपके बहुत जल्द ही कल या परसों ही आपका दमदार जो है टॉपिक आने वाला है, मैंने बताया ह्यूमन फिजियोलॉजी से लेकर के आने वाले हैं टॉपिक। ठीक है, तो बिल्कुल फटाफट लाइक भी कर दीजिए एक बार और मजा आ जाए, संख्या थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए आप लोग जो है, बढ़ा दीजिए तब मजा आ जाए। इसका PDF आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर, आपको PDF मिलेगी, बताइएगा, आप रिस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स दीजिएगा कि आपको PDF कैसी लगी। ठीक है, क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लगा, जहां समझ में आएगा वहां पूछिएगा आप। देखिए क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अघुड़ित है। फ्यूनेरिया का कह रहा है कैलिप्ट्रा, अपरकुलम, एनुलस, कॉलुमेला। देख लीजिए आ गया क्वेश्चन ना, फ्यूनेरिया का कौन सा भाग हैप्लॉयड है, अभी यही मैं बात किया था। ठीक है, कौन सा भाग हैप्लॉयड है, तो बताइए कौन सा भाग हैप्लॉयड है फ्यूनेरिया का, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा इसका क्या है, अगुणित है, हैप्लॉयड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम तीन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है ब्रायोफाइटा को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि, यानी ब्रायोफाइटा को शैवाल से अलग किया जा सकता है, क्यों अलग किया जा सकता है, किसके आधार पर। कह रहा है कि पहली बात तो ये थैलस के आकार के होते हैं भाई, थैलस तो एल्गी भी होता है और ब्रायोफाइटा भी होता है, ये बात सही है, इससे अलग नहीं किया जाएगा। कह रहा है इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है भाई, वैस्कुलर टिश्यू तो ना तो जाइलम फ्लोएम ना तो ब्रायोफाइटा में होता है ना तो शैवाल में भी होता है, इससे भी अलग नहीं किया जा सकता है। कह रहा है इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, दोनों में क्लोरोप्लास्ट होता है, एल्गी में भी ब्रायोफाइट में भी। कह रहा है इनमें आर्किगोनिया के बाहर स्टेराइल सेल्स होती है, जी बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा उसी नंबर ही होगा। ठीक है, इसके बाहर स्टेराइल कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यानी पोसेस आर्किगोनिया विद आउटर स्टेराइल सेल, इसी के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। देखिए क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है थैलस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन, यानी जो थैलस को दो भागों में विभाजित किया गया है, अपर फोटोसिंथेटिक रीजन और लोअर स्टोरेज रीजन। कह रहा है किसमें बांटा गया है, रिक्सिया में है कि मार्केंसिया में कि एंथोसिरास। अब अच्छा ऐसा सिलेक्ट कह रहा है एक और दो दोनों में, रिक्सिया मार्केंसिया, जी बिल्कुल यही इसका सही आंसर ही है, रिक्सिया और मार्केंसिया दोनों में होगा। ठीक है, एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, ए नंबर इसका सही जवाब हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट के अंदाज में, क्वेश्चन नंबर पांच कह रहा है मॉस के स्पोर अंकुरित होने पर क्या बनता है। मॉस के स्पोर अंकुरित होने पर क्या बनता है, मॉस का जो स्पोर है अंकुरित होगा तो क्या बनाएगा। अभी मैंने बताया था आपको
ठीक है, क्या बनाता है, प्रोटोनीमा बनाता है। क्या बनाता है भाई, प्रोटोनीमा बनाता है, पेरिस्टोम नहीं, प्रोटोनीमा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, पांच का डी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन छह, फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं, फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं, स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म बाई, किसके द्वारा बनता है, करायम्फिथीसियम, इंडोथीसियम, कोलिनकाइमा, मेटामार्फोसिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करिए, थोड़ा सा बताइए। देखिए हम आपको बता दें, इस लेक्चर को बताते समय मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, नाम नहीं लूंगा भाई, क्योंकि देखिए बहुत टाइम हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है, एक दिन की कि मेरी क्लास केवल नाम लेने वाली होगी, आपके साथ वार्तालाप वाली क्लास होगी, सजेशन एक्सेप्ट भी करेंगे, सजेशन हम आपको कुछ देंगे भी, ठीक है, उसमें हम आपसे बातें करेंगे, लेकिन संख्या थोड़ा सा और बढ़ती जाए तो और मजा आ जाए भाई, ठीक है। देखिए जरा इंडोथीसियम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम इसका सही जवाब है। फ्यूनेरियम बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं, इंडोथीसियम के द्वारा बनते हैं, ठीक है, इंडोथीसियम के द्वारा बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सात, कह रहा है कार्डमास सामान्य नाम है, कार्डमास, कार्डमास किसे कहते हैं, कह रहा है फ्यूनेरिया को कहते हैं, किस फैग्नम को कहते हैं, थोसिरास, किस फैग्नम, सॉरी स्फैग्नेरिया, ऐसा नाम आ गया। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है फ्यूनेरिया, क्या है, फ्यूनेरिया को कार्डमास भी कहा जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ, ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन, कह रहा है बहुकोशिकी मूलाभ किसमें मिलता है, कह रहा है मल्टी सेलुलर राइजोइड किसमें पाए जाते हैं, कह रहा है रिक्सिया में कि फ्यूनेरिया में, मार्केंसिया में कि नन, किसी में नहीं, बताइए किसमें पाया जाता है, मल्टी सेलुलर राइजोइड किसमें पाए जाते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा भाई, मल्टी सेलुलर राइजोइड किसमें पाए जाते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर राइजोइड बिल्कुल इसका पाया जाता है किसमें, फ्यूनेरिया में। कुछ लोग हैं जो रेगुलर रहते हैं, मुझे उनका कमेंट देख करके आप लोगों को मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है, मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि आप लोग लगातार बिल्कुल जुनून है आपके अंदर कि आपको एग्जाम ये क्रैक करना ही करना है, और ये जुनून जिसके अंदर होता है वही एग्जाम को क्रैक करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ आप लोगों से, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह लेक्चर, इस प्रकार का अगर हम प्रश्न पत्र लेकर के आएँ, किस प्रकार का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएँ, कुछ नए क्वेश्चन लेकर के आएँ, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन लेकर के आएँ, और कुछ जो स्पीसीज पर बने हुए हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को भी लेकर आएँ, तो कैसा रहेगा, ठीक है। आप लोग हमारे साथ अगर जुड़े रहते हैं तो मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, और आपके लिए उतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो दोस्तों बस आज के लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, ओके, थैंक यू, जय हिंद।